अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 जून 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट एग्जाम डेट 2023 को तो देखेंगे, लेकिन सीटेट 20 अगस्त 2023 का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? जी हाँ, देखिए इस बार हमारा सीटेट का भी पेपर ऑफलाइन है और उसके साथ साथ हमारा यूपी टेट का भी पेपर ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन पेपर में ढेर सारे फायदे होते हैं। ऑनलाइन पेपर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भैया पेपर 25 दिन 20 दिन चलता है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह का पेपर आता है, कुछ शिफ्ट का पेपर आसान कुछ का कठिन। तो बच्चों में दिक्कतें होती है कि हम उस शिफ्ट में पेपर देते तो हमारा अच्छा स्कोर हो जाता, लेकिन वो वाली जो आपकी कन्फ्यूजन थी, वो सब दिक्कतें थी, इस बार दूर हो जाएंगी। एक और यूपी सरकार का बड़ा फैसला है योगी सरकार का कि यूपी में बिजली कटौती फिलहाल 22 जून तक रोक लगा दी गई है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, सरकार का बड़ा बड़ा दावा क्या क्या किया जा रहा है उसको भी जरा देखते हैं। नौकरियां देने में उनका रास्ता रेड कार्ड, हमारा लक्ष्य सेफ कार्ड, पीएम मोदी जी कह रहे हैं। अगली खबर, भर्तियों में भाई भतीजावाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार पर लगाम लग गया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 70,126 युवाओं को बांटे सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र। इतनी वैकेंसी आ रही है लेकिन आप लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या दोस्तों सभी बच्चे सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ही वेट कर रहे हैं? अब देखिए sarkarirezult.com पर एक पोस्ट वायरल होती है कि जो हमारी बिहार में वैकेंसी आ रही है ना, बिहार टीचर भर्ती 2023। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एप्लीकेशन फीस में जनरल में ओबीसी में 750 रुपये, लेकिन यहाँ पर एक बात और लिख दी गई अदर स्टेट के लिए। पहली बात तो दोस्तों दूसरे राज्य के बच्चों को मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा गया था कि मौका सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे बिहार के स्थायी निवासी हों, ठीक है, भारत के नागरिक के साथ साथ। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्या होता है, फिलहाल एक दिन का और इंतजार है, ठीक है। 15 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी वैकेंसी है ना कि क्या बात है, 80,000 पदों पर सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में है। मतलब बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है 80,000 पदों पर वैकेंसी होना, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, भर्तियों में भाई भतीजावाद खत्म, भ्रष्टाचार पर लगा प्रधानमंत्री जी। मोदी बोले भारत अब ज्यादा स्थिर सुरक्षित और मजबूत देश है, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा यूपी टेट का पेपर। फिलहाल दोस्तों हमारा यूपी टेट का जो पेपर है पीएनपी से नहीं हो रहा है, अगर होना होता तो अब तक हमारा नोटिफिकेशन आ जाता, ठीक है। नए आयोग के चक्कर में सब कुछ खराब हो रहा है, यूपी टेट 2022 का पेपर नहीं हो पाए। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा यूपी टेट का 2020-21-22 हर साल पेपर होता है, तो जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता उस समय से अपना पेपर देकर क्लियर होते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है कि 6 महीने में हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। अब देखिए लास्ट टाइम के बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार कब नोटिफिकेशन आएगा, कब पेपर होगा। बहुत से बच्चे अब सीटेट को लेकर परेशान हो रहे हैं कि क्या सर एक बार फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म या सीटेट में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऑनलाइन पेपर को जैसे रजिस्ट्रेशन कराते नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट सिर्फ ऑफलाइन पेपर में होता है, लेकिन जब पेपर ऑफलाइन हो जाता है तो बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तो अब आपको बता दें सीटेट में अब कुछ नहीं होने वाले हैं, ऑनलाइन करेक्शन की डेट खत्म हो गई, ऑनलाइन आवेदन जो भी सब कुछ था सब खत्म हो गया, अब सिर्फ पेपर होगा। तो अगर आप सीटेट का पेपर दोबारा देना चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको दिसंबर में मौका मिलेगा, वो भी पेपर उम्मीद किया जाएगा कि ऑफलाइन ही होगा। ऑनलाइन पेपर में खर्चा भी बहुत आ जाता है, क्योंकि पेपर 20 दिन 25 दिन चलता है। अब यहाँ पर सिंगल डे में एक दिन में पेपर होगा, 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ये बेहतर है। ऑनलाइन पेपर 25 दिन तो भाई पेपर ही हो रहा है, रिजल्ट का तो छोड़ ही दीजिए। तो ऑफलाइन ढेर सारे फायदे हमने आपको यहाँ पर गिना दिए। अब जरा यूपी टेट के अपडेट को देख लेते हैं। बेसिक से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। अब यही आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट भी कराएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में नवोदय के तर्ज शुरू किए गए जा रहे अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती भी इसी आयोग से होगी। इसका प्रारूप ड्राफ्ट पिछले हफ्ते हुए सदस्यों की बैठक में शामिल कर लिया गया है। आयोग के गठन का काम तेजी से चल रहा है, आसार है कि अगले महीने तक यह आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। उम्मीद थी 224 जुलाई की एक डेट रखी गई है, इस डेट तक हमारा आयोग बन सकता है। तो मतलब हमारा जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो जुलाई में भी नहीं आ पाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जुलाई का दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने जुलाई के महीने में दोस्तों हमारा बीएड वर्सेस बीटीसी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है वो आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों फैसले में ये बात क्लियर कर दी जाएगी कि आने वाली आगामी शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं,
जी हाँ दोस्तों, बीएड के छात्रों को मौका की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्राथमिक में वैकेंसी आ रही है अभी बिहार में ही तकरीबन 80,000 पद हैं। अगर बीएड के छात्रों को बाहर किया जाएगा तो वहां पर लाखों बच्चे बीएड के प्राथमिक शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक अपडेट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, फिर उसके बाद कोई नया फैसला हमें देखने को नहीं मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में मान्य भी होगा, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो बीएड की प्रवेश परीक्षा में ओएमआर सीट के कॉपी साथ ले जा सकेंगे अभ्यर्थी। ऐसा ही दोस्तों आप यूपी टेट और सीटेट में भी कर पाएंगे। एक और सवाल था कि आने वाले टेट के एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग को जोड़ा जा सकता है, ऐसा है कि नहीं? क्या दोस्तों टेट का 1/4 अंक आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा या नहीं? फिलहाल दोस्तों 1/4 वाला जो नियम है अभी तक इस पर कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन शिक्षक भर्ती का क्या रूल है वो आज हम आपको इस वीडियो में लास्ट में बताते हुए चलेंगे। अभी तुरंत उसको क्लियर कर दिया जाए कि जब आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो किस आधार पर वैकेंसी फिर से आएगी उत्तर प्रदेश में। 51,112 पदों पर वैकेंसी की उम्मीद हम करेंगे आने वाले समय में। वैकेंसी का नियम ये हो सकता है कि आपके हाई स्कूल का 10वीं क्लास का 10% लिया जाएगा। ठीक है, मान लेते आपने 70% स्कोर किए थे तो उसके 7 नंबर। 12वीं क्लास का भी दोस्तों हमारा 10% ही लिया जाएगा। अगर मान लेते 12वीं में आपने 80% स्कोर किया है तो उसका 8 नंबर। ग्रेजुएशन का भी दोस्तों यहाँ पर 10% ही लिया जाएगा। मान लेते ग्रेजुएशन में आपने 70% स्कोर किया तो इसका 7 नंबर। उसके बाद दोस्तों हमारा डीएलएड या दोस्तों बीएड का भी 10% ही लिया जाएगा। अगर मान लेते दोस्तों आपने डीएलएड या बीएड में 70% स्कोर किया है तो इसका 7 नंबर। जरा सबको जोड़ लीजिए, 8, 7, 15, 7, 22, 7, 29, ये दोस्तों 29 नंबर आपका एकेडमिक बन गए। 29 नंबर कितने में से मिले आपको? 40 में से। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 40 नंबर आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं अपने एकेडमिक में, और मिनिमम का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने हो सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया एकेडमिक, क्लियर हो गया 40% आपका एकेडमिक। अब उसके बाद दोस्तों बारी आती है सुपर टेट की। 60% सुपर टेट के लिए जाता है। जैसे मान लेते कि आपने 150 नंबर का पेपर है, आपने 120 नंबर स्कोर कर लिया, तो 120 का 60% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 0 से 1 0 कटा, 15 1 15 15 16 60, 12 4 48, तो ये दोस्तों आपके 48 नंबर आ जाएंगे सुपर टेट के। ठीक है, ये मेरिट में जोड़े जाएंगे। देखिए मेरिट कैसे बनती है, 40% एकेडमिक प्लस 60% सुपर टेट के, इन दोनों को जोड़कर 100% की मेरिट बनाई जाती है। अब इसमें से आप जितना भी स्कोर करेंगे और जिन बच्चों का नंबर ज़्यादा होगा उन बच्चों को पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा। कैटेगरी कैसे बनाई जाती है, पहले दोस्तों जनरल की कैटेगरी आएगी, फिर हमारी ईडब्ल्यूएस की आएगी, फिर हमारी ओबीसी की आएगी, फिर हमारी एससी कैटेगरी आएगी, एसटी आएगी, फिजिकल हैंडीकैप आएगा, इस तरह कैटेगरी आती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है जनरल की जाती है, फिर सेकेंड नंबर पर ये फर्स्ट नंबर पर ये ओबीसी, फिर थर्ड नंबर पर ईडब्ल्यूएस, चौथे पर एससी, पाँचवें पर एसटी और 6 नंबर पर फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे, डेफिनेटली देखिएगा पेपर में एक अच्छा स्कोर करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, किसी भी किताब पर भरोसा मत करिए कि भैया 100 क्वेश्चन है, 1500 क्वेश्चन है, 100% फंस जाएगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए, देखिएगा रिजल्ट आपका 10 गुना बेहतर आएगा लास्ट रिजल्ट से। चलिए दोस्तों, सीटेट एडमिट कार्ड का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, यूपी टेट नोटिफिकेशन की भी अपडेट दी गई है, जैसे ही कोई अपडेट आती है अपडेट आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।